हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल अनसार टेक्निकल गुरु में। दोस्तों, इंडिया में जहां देखिए आप वहां पर देखेंगे हर किसी का पास जो है MI सेट लेकर घूमता है, Xiaomi का सेट लेकर घूमता रहता है। और फिर क्या होता है कि मार्केट में जो है आप जाएंगे परचेज करने के लिए तो इसकी प्राइस जो है जो एक्चुअल प्राइस है उससे कहीं ज़्यादा जो पैसे मांगते हैं। खास करके जब आप रेडमी नोट 5 प्रो खरीदिए या अभी जो लॉन्च हो रहा है, जैसे कि अभी रेडमी 6 जो है लॉन्च हुआ है, इसकी कीमत जाके अगर आप मार्केट में आप खरीदें तो जो एक्चुअल प्राइस है जैसे 8000 प्राइस है तो आपको 200 400 500 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, उसके बाद जो है आपको मोबाइल देता है। तो लेकिन मैं दोस्तों आज मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में कि आप जो है बगैर 400 या 500 रुपया खर्च किए हुए, मतलब जो एक्चुअल प्राइस है उसमें आप अपने मोबाइल को कैसे परचेस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो है MI के साथ जो है Xiaomi के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता चला आ रहा है। क्योंकि दोस्तों मैंने Redmi Note 5 Pro और या Redmi 5 है जब इसका फ्लैश सेल चल रहा था तो आप लोग जानते ही हैं कि इसमें जो है कितने यूज थे उसके, मतलब जहाँ से आप परचेस करते हैं, मैं तो फ्लिपकार्ट से करता था तो उसमें ट्रैफिक जो बहुत ज़्यादा आती थी और जो इसका सेल जो होता था बहुत मुश्किल से 2 सेकेंड 4 सेकेंड में क्या होता था जितनी सेटें उस पर आती थी सब खत्म हो जाता था, जिसके बिना पे जो है कोई भी 2 4 5 खरीदना चाहते थे या एक ही खरीदना चाहते थे तो मैं बुक नहीं कर पाता था। लेकिन मैं दोस्तों मैं बता दूं इसमें कि मैं आपको दिखा भी देता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है इसके साथ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये कि मैं कितने सारे मोबाइल को परचेस किया हूं, रेडमी नोट 5 प्रो है और उसके बाद क्या कहते हैं रेडमी 5 है, और इसमें देख सकते हैं मैंने इसको जो है रिटर्न भी किया है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं फिर मैं इसको परचेस कैसे करता हूं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट पे ले जाता हूं, फ्लिपकार्ट जो एप्लीकेशन है मैं वहीं से परचेस करता हूं और मैं आपको प्रूफ के साथ मैं दिखा दूंगा कि मैं कैसे इसको परचेस किया हूं। तो आपसे निवेदन है, आपसे गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो के देखें। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। मैं हूँ अनसार आलम और आप देख रहे हैं अनसार टेक्निकल गुरु। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक करना है। अगर हो सके, अगर अच्छी लगे वीडियो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप पूरी वीडियो के देखिए। तो जैसा कि देख रहे हैं कि हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं तो हम सबसे पहले अपना फ्लिपकार्ट ओपन कर लेते हैं, फिर यहाँ पर सर्च कर लेते हैं रेडमी 6। तो चलिए मैं ये डाउनलोड ये कर लेता हूँ क्योंकि मुझे दोस्तों यही बुक करना है। तो मैं दिखा देता हूँ और आप देख सकते हैं अभी 12 बजने में कुछ देर बाकी है तो मैं ये इसे ओपन कर लेता हूँ ये। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी 1 मिनट 37 सेकेंड बाकी है इसे, जब तक मैं आपको थोड़ा सा इसका इसके जो फीचर्स है इसके रैम मेमोरी जो है सब कुछ दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 GB रैम है इसमें और 32 GB रोम है। और फिर इसमें देख सकते हैं 30.84 की इसकी लंबाई चौड़ाई है। फिर इसमें 12 MP सामने बैक वाला कैमरा है, सामने वाला 5 है। बैटरी MAH देख सकते हैं 3000 है। इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली इसका थोड़ा सा थोपड़ा दिखा देता हूँ कैसा है। तो आपको ये हुआ बाइक वाला सीन हुआ देख सकते हैं, और मैं आपको ले चलूँ और थोड़ा सा साइड से दिखा देता हूँ। तो ये साइड वाला हिस्सा हुआ और मैं आपको फ्रंट दिखा देता हूँ, इस तरह का होगा फ्रंट में। और फिर मैं अब थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूँ, आप थोड़ा थोड़ा रिफ्रेश करते ही रहे, बैक होना है उसके बाद रिफ्रेश करते ही रहना है। तो इसके बिना पर यह होगा कि जो सेल चल रही है वो आप उसमें मतलब आप टाइम देखते ना रह जाए और आपका पूरा ये निकल जाए। तो रिफ्रेश करने से होता ही है कि आपके नेटवर्क जो है वो फास्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो देखिए अब 10 सेकेंड 9, अब मैं जल्दी से चलता हूँ अब अपने रिफ्रेश करके, ये 6 4 3 2 1 बाय 9। ये जल्दी से जितनी मरतब हो उस पर क्लिक करते ही रहना, जितनी मरतब हो सके जब तक ऑप्शन ना आ जाए कुछ। फिर उसके बाद ये आ गया। उसके बाद मैं आपको बता दूँ तो आप इसमें जो है डायरेक्टली आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आया, ये कंटिन्यू का ऑप्शन आया, इस पर ओके कर देंगे। उसके बाद फिर आपको ऑटोमेटिकली ले जाएगा बैंक में डिटेल में। तो मैंने बैंक को पहले ही से ऐड कर रखा है उसमें, अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसे ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं वीडियो को या मुझे बताइए तो मैं बता दूंगा, फिर कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे CVV नंबर डाल के कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद जो OTP नंबर आएगी आपके इस पर, तो मैंने पेटीएम का बैंक ये लिंक किया हुआ है, ये OTP आई है तो मैं यहाँ से OTP कॉपी करके मैं वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, तो ये पेस्ट हो नहीं पा रहा है तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ नंबर ही इसमें डाल देता हूँ जो भी OTP है। तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद जो है जब फिल करने के बाद आप वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, ये जो दिख रहा है वेरीफाई ऑप्शन, इस पर ओके करेंगे। फिर आपको अब थोड़ा सा वेट कर लेना है, तो मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम खुद ही होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। तो आप देखिए माई ऑर्डर वगैरह में सारा ऑप्शन दिख रहा है और ये देखिए बुक हो चुका है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, मैसेज भी आ जाएगा आपको
और मैं आपको माय ऑर्डर में ये मैसेज आ गया, मैसेज को ओपन करता हूँ और उसके बाद ये देखिए ये ऑर्डर का आ गया वहाँ पे। और मैं आपको चलिए माय ऑर्डर में दिखा देता हूँ वहाँ पे जो किस तरह हुआ है, तो आपको ले चलूँ माय ऑर्डर में पहले अपने अकाउंट में। उसके बाद थोड़ा सा पहले तो बैक हो लेता हूँ जो मैंने प्रोसेस किया है, उसको बैक हो के चलता हूँ माय ऑर्डर में। ये रहा माय ऑर्डर, खुल रहा है थोड़ा सा वेट। ये देखिए दोस्तों वो फर्स्ट में आ रहा है, और देखिए हमने कितना मोबाइल इससे पहले बुक कर रखा है, तो मैं दिखा देता हूँ जो अभी बुक किया। ये देखिए ये अभी बुक हुआ, और अभी इसका डिलीवरी तो पता नहीं चल पाया, इसकी कीमत देख सकते हैं, और अभी डिलीवरी तो बताया।